अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमरीका की अगर तारीख को देखा जाए तो इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मगर जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जो महाजर आई है इसकी शिदत में इजाफा हो रहा है। उससे चंद रोज से हक्कानी नेटवर्क के हवाले से अमरीका भरपूर अंदाज में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान ने यह कहा है कि इससे वो इनकार नहीं करता, मगर जो अपने मफादात के मुताबिक ये सूरत हाल देखी जाएगी। दूसरी तरफ काबुल में बुरहानुद्दीन रब्बानी जो एक अहम जो फिगर थे वो एक खुदकुश हमले में जा बहक हो गए हैं और ये ख्याल किया जा रहा है कि इसका इल्ज़ाम भी हक्कानी नेटवर्क पर आयद कर दिया जाएगा। ये जो खत्ते में तमाम सूरत हाल बन रही है, जिस तरह पाकिस्तान में तालिबान या दहशतगर्दों के हमलों में इजाफा हो रहा है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में जिम्मे दी है मारूफ डिफेंस एनालिस्ट कर्नल रिटायर खालिद मुनीर साहब। वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम। अब हम ये बताएं कि क्या हक्कानी नेटवर्क मौसर है, ड्रामा है, प्रेशर टैक्ट है, या ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से पाकिस्तान को दबाव में लाकर अपने मफादात के मुताबिक उससे काम लिया जाए। ये तीनों चीज़ें हैं जो आपने कही हैं। इट्स अ फैक्ट के जलालुद्दीन हक्कानी का ग्रुप मौजूद है, मैं नेटवर्क नहीं कहूँगा। जो भी मदरसे हक्कानिया अकोड़ा खटक से पढ़ के गया है वो हक्कानी साथ लगाता है, उसमें कोई डॉक्टर भी है, कोई वकील है, मुआशरे में ठीक तरीके से रह रहे हैं और कुछ ज्यादा भी हैं। तो हक्कानी एज सच कोई कास्ट नहीं है, कोई ट्राइब नहीं है कि उस मदरसे के पढ़े हुए, यानी कि मदरसे के हवाले से जो मदरसा हक्कानी है उस हवाले से ये शनाख्त जी। इन्होंने अफगान जहाद में मौलाना समीउल्लाह का जो मदरसा था, बेसिकली मौलाना अब्दुल हक का, अफगान जहाद में इसने बड़ा रोल प्ले किया था और ये गढ़ था मुजाहिदीन का जब सोवियत इन्वेजन थी, रूस ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया था, उस वक्त इसने हज़ारों लाखों की तादाद में मुजाहिदीन तैयार किए, बाकी मदरसों ने भी किए, इसने भी किया। इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान में मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है किसी को कि हक्कानी के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। अमेरिका जो कहता है कि ये आके हम पे हमले कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। हक्कानी नेटवर्क हमले कर रहा है मगर दूसरे भी लोग, दूसरे भी तालिबान ग्रुप्स हमले कर रहे हैं अमेरिका पर जी। हक्कानी सिर्फ हमले नहीं कर रहा है, अफगान तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। ये हक्कानी नेटवर्क का आप कह के एक किस्म का मुल्ला उमर को तो आपने साइड पे कर दिया, जो जबकि मुस्तनद लीडर मुल्ला उमर है। अब आप इसको सामने ले आए, इसको इसलिए सामने ले आए कि मुल्ला उमर का आपको नहीं पता कहाँ पे है। आप बेसिकली अमेरिका चाहता है कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान पे हम ऑपरेशन करें, पुरानी डिमांड है जो अब तक हम नहीं मान रहे हैं, किन वजूहात की बिना पे नहीं मान रहे हैं वो डिबेटेबल है। अमेरिका के हम एलाय रहे हैं 1950 से, जब हम इनके साथ वायदों में शामिल हुए सेंटो और सीटों में, पहली दफ़ा है कि हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में अमेरिका के साथ आ गए। इख्तलाफ इस हद तक अभी हम देखें, हमारे अदारों के साथ कोई महाजराई हो रही है, हमारी हुकूमत के साथ महाजराई हो रही है, ये जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन भी अमेरिका करता है, ये क्यों करता है? पाकिस्तान आ गया, ये तो अमेरिका डिवीजन कर रहा है ना। अमेरिका कहता है कि ISI साथ है, मुलर ने कहा कि क्या नहीं अंडरस्टैंड, क्या नहीं को मेरी बात समझ आ रही है, ISI यानी आइसोलेशन कर रहा है कि जैसे पाकिस्तान नहीं शामिल, जन क्या नहीं शामिल, ISI शामिल है। ये डिवीजन ऐसे नहीं होती है,
हम अमेरिका को ये नहीं कह सकते कि ओबामा साहब नहीं शामिल, हिलरी क्लिंटन नहीं शामिल, पनेटा शामिल है, पेट्रियास शामिल है। तो अमेरिका ने ये पिछले हफ्ते में ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इस किस्म के, वो इसके मैं वजूह आपको बताऊं। ऐलान जब इन्होंने किया कि 2014 में तक हम कंप्लीट कर लेंगे अपना विड्रॉल और इस साल 30,000 ट्रूप्स इन्होंने विड्रॉ करने थे, जुलाई से शुरू करने थे और इस साल 30,000 ट्रूप्स का विड्रॉल था इनका। अगस्त और सितंबर के जो वाकयात हुए हैं उसमें अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है, 29 आदमी हेलीकॉप्टर के क्रैश में सील्स जो थे वो मरे, फिर काबुल में एम्बेसी के ऊपर खुद का हमला हुआ, फिर काबुल के ऊपर एक अटैक हुआ जो 20 घंटे जारी रहा, 20 घंटे तक शहर बंद था। फायरिंग 6 लोगों ने अमेरिका और काबुल में जो सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं उन्होंने उसके साथ मुकाबला किया, भरपूर अंदाज मुकाबला किया। 6 आदमी थे, हमारा नेवल बेस वाला हिसाब था ना, वो भी 6 थे। तो 6 ने 20 घंटे तक वो किया, गनशिप से इस्तेमाल हुई, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है अमेरिका का, साइकोलॉजिकल नुकसान बहुत हुआ है नफसियाती तौर पे, काबुल के लोगों पे बड़ा नफसियाती असर। हमारे अमेरिका का ये तासुर खराब हुआ कि वो सुपर पावर है, कि काबुल जिसमें उसका होल्ड है वहां पर आके तालिबान उसको निशाना बनाया। यस, कि आप कह रहे हो कि हम फौज निकाल रहे हैं, हालात बेहतर हो गए और 2 महीने के अंदर ऐसे वाकयात हुए कि आपके वो सुपर पावर वाली जो पोजीशन थी वो खराब हो गई।